वादियों में पार्टी पहुंचते हुए। इनक्रेडिबल नेपाल विकास। दोस्तों हमारी जो दर्शन की शुरुआत है वो हो चुकी है। हमने प्रसाद वगैरह अपनी एंट्रेंस में ही ले ली और हमने सोचा बाहर ही व्लॉग बनाकर जो यादें हैं वो बटोर लेते हैं, क्योंकि अंदर एक तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है और साथ ही साथ हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाई जाए कि इसकी एंट्रेंस कैसी है। तो विकास भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत मंगल सुमंगल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम दर्शन महादेव जी के हो रहे हैं। बिल्कुल। और प्रमोद भाई लग तो अच्छा रहा यार, एक पशुपतिनाथ एक भारत ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके बारे में कुछ दो तीन बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे शिव जी का टेम्पल है तो इसे पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं शिव जी को? तो एक्चुअली पशु का मतलब तो एनिमल होता है एंड एनिमल का मतलब हम लोग भी जैसे ह्यूमन है, वी आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल एंड पति इज बेसिकली मीन्स प्रोटेक्टर इन संस्कृत। सो इट इज़ अ सो शिव जी इज अ प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल मीन्स इट्स ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ मैन काइंड। बिल्कुल। और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं अभी ये मतलब बहुत ही ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और आप भी अगर आओ तो मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आप अर्ली आवर्स में ही आ जाओ सो दैट भीड़ जो है वो थोड़ी कम रहे और आप अच्छे से दर्शन कर सको। सो बिना ज्यादा लेट किए चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं काठमांडू के लोकल बस में। ये टोपी आपने कहाँ से ली? फ्रांस से? नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड से। मैं वहाँ अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे वहाँ से और अभी हम लोग देखते हैं नेपाल की जो सड़कें लोकल उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। लोकल बस ये सब मोमेंट है भाई, बिल्कुल एंजॉय करते रहने। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल बस टर्मिनल जहाँ पे हमने टिकट बुक करी है और हमारे ड्राइवर साथ हमारे साथ मौजूद। ब्लॉग बनाते हुए चलेंगे मस्त। रास्ते के बारे में जरा बताइए लोगों को, कैसे रास्ता आने वाला है? रास्ता बहुत अच्छा मस्त आने वाला। किधर जाने का? पत्ता बोल। उड़ा दोगे पहुँचा दोगे? जाते जाते मिलते हैं। ठीक है मिलते हैं। आप बोलेंगे तो कुछ मजा ही नहीं आएगा ना। ठीक है बिल्कुल सीधे बड़े पिक्चर पे चला। ये हमारी ड्राइवर साहब से बात हुई, हम लोग निकलेंगे लगभग वही 4 बजे निकल जाएंगे ताकि टाइमली पहुंच जाएं और 5 बजे के बाद वो अपनी बस स्टार्ट कर देंगे। हम लोग कल सुबह अराउंड 8-9 बजे के करीब पहुंच जाएंगे मुस्तांग जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो कि पड़ती है ऑलमोस्ट नेपाल चाइना बॉर्डर पर। उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या है, लेकिन सफर जो है वो काफ़ी सुहाना होने वाला है। चलते हैं सबसे पहले घर और उसके बाद फिर रिटर्न बैक एंड देन फिर गुड और बस जो कि है 5 बजे। बाकी अभी लुक्स ले रहे हैं हम लोग ये सब भी, लेकिन दिन याद रहेंगे नहीं नेपाल में लोकल बस पे। बीस साल बाद लगता मारुति अटेंडेंट पे बैठ रहे हैं, इसका भी अलग अलग मजा है। नहीं बहादुर साहब ये तो है 20 साल का बात, गाड़ी लगता 20 साल से ऊपर का है। नहीं
है ना, उसको सर्विसिंग वगैरह आया कि चल गया है डेट इसका, डेट चल गया, रिस्क पे चला रहे हैं, जब तक चल रहा है ना, बस बढ़िया। दस साल और चल जाएगा, नहीं बढ़िया, 20 साल बाद लगता मारुति अटेंडेंट पे बैठ रहे हैं, इसका भी अलग अलग मजा है। नहीं बहादुर साहब, ये तो है 20 साल का बात, गाड़ी लगता 20 साल से ऊपर का है, नहीं है ना, इसको सर्विसिंग वगैरह है कि चल गया है डेट इसका, डेट चल गया, रिस्क पे चला रहे हैं, जब तक चल रहा है ना, बस बढ़िया। 500 meters, turn right onto Naya Bazar Marg. आप पटना से? दानापुर से? सपना मोड़ से? अरे मुक्तिनाथ बता रहे हैं अंकल की शक्तिपीठ ग्लेशियर। अच्छा आप उधर ही जा रहे हैं? अरे वाह, अच्छा लगा मिलके आपसे। बस वही जा रहा है, चलिए तब तो अच्छा। गाड़ी हम बुक किया था स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हमको बोला कि 55 बहुत महंगा, 55,000 नेपाली रुपया, वही पड़ेगा लगभग 29-30,000। गाड़ी नहीं जाता है ना, सिर्फ वही जाएगा। बढ़िया, सफर में मजा आएगा। नहीं चलो, इससे पहले आप गए कभी? पहली बार हम लोग भी केदारनाथ, हम लोग बहुत बार गए। अच्छा अपनी तरफ के लोग हैं तो सही है। अरे बिल्कुल, अच्छा माहौल रहेगा, केदारनाथ हम लोग बहुत बार गए। हम लोग पता बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन मौका मिला है विदेश में सफर करने का, मजा आएगा। तो शाम के बज गए 5 और हमारे रॉकी भाई थे तैयार, इनको जरूर लाइक करें, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है इससे बड़ी। यही अभी जैसे चलाएंगे ना पूरे पहाड़ को एक कर देंगे, पूरा पहाड़ का एकदम नंबर वन। गाड़ी दिखा दो ना कैसे तो आए, पहाड़ का एकदम नंबर वन किंग है, किंग राजा, इसको बोलते हैं रात के रानी ड्राइवर। यही रास्ता दे गाड़ी का नाम है नेपाल की पहाड़ियों पर। ये देखिए रंगीन बस और रंगीन मिजाज लोग यहाँ पे हमारे बीच मौजूद, और ये आप जो देखेंगे ये ढाबा, और हमने सोचा क्यों ना लुत्फ ली जाए। ड्राइवर साहब ब्रेक पे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, कैमरा में तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम जो फील कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, कल तो दिखी जाएगा, कल दिखा देंगे। बिल्कुल कल सुबह होते ही दिखाते हैं। नज़ारे जो हैं वो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है अभी नज़ारों की, और ये देखिए चांद और सूरज दोनों एक साथ, और बहुत जल्द हम लोग और घनघोर जो हमारी जो हिमालयन रेंजेस उसमें हम एंटर करेंगे, आपको पूरे नज़ारे दिखाएंगे। यही कंटेंट चाहिए। मंदिर है किया ना कि सीधे
गो या बजरंगी भाईजान का शूटिंग लगता इधर ही हुआ था, इधर ही बैठा हुआ कर रहा था कुछ, याद नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग चाइना अप्रोच करते हुए, और अभी हम लोग हैं चाइना और नेपाल बॉर्डर पर, और हमने परमिट भी ले लिए है। मौका तकदीर अच्छी रही तो चाइना भी नाप के आ जाएंगे। दोस्तों मुस्तांग में हमने ऑर्डर किए पल्सर 220, वो भी ऐसी जबरदस्त जगह पे। भाई हमें मिले, बात कर लो भाई एकदम